मैं हूँ मैं। तो फाइनली यार बारह जिला पास हम पहुंच गए हैं। चल 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 चल, ये पानी ना बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पानी है कि आपके पैर काट देगा ये। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई और कितना टाइम हो रहा है यार, 7 बज गए हैं सुबह के। ये अपना छोटा सा टेंट, उधर साउथ भाई, बीच में फैजान और लास्ट में मैं था। ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लगी, काफी सही था। बाहर निकल के देखते हैं क्या सीन है। भाई साहब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। ये अपना टेंट था छोटा सा, ये देखो मैं दिखाता हूँ ये। और यहाँ पे ऐसे टेंट लगे हुए हैं लाइन से तीनों, ये भी है किसी का। और ये अपनी बाइक खड़ी क्लासिक 350, और यहाँ पे है हिमालयन और कई सारी बाइक्स हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, सब टेंट में कैंपिंग करते हैं। वहाँ पे अपना लगा हुआ है ब्रश व्रश करने के लिए, मुंह धुलने के लिए पूरा इंतज़ाम है, बेसिन वगैरह लगी है। और ये कुछ पहाड़ ऐसा नज़र आता है यहाँ से। यहाँ पे बैठ के चाय वाय पीजिए आप, और ये व्यू देखिए, क्या बात है भाई। सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, रात में टेम्परेचर गया था 3 डिग्री, और हमें लगता और भी कम हो गया होगा, बट ठंडी नहीं लगी थी यार। जो अपना टेंट था, ये जो भी था, हम 3 बंदे इसमें लेटे हुए थे, ठंडी नहीं लगी थी, ब्लैंकेट एक नंबर था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हम लोग सोचे हो सकते ठंडी लगे, रात में नींद ना आए। नींद बहुत अच्छी आई, पहाड़ों में नींद का क्या कहना भाई। सामने पानी बह रहा है, ये देखो, ये जो वाइट सा बीच में दिख रहा है पैच, पानी वहाँ बह रहा है और कंटिन्यू बहता ही जा रहा है वो। ये जितना वाइट सा दिख रहा है, चमक रहा है, सब पानी ही है। और सूरज मामा इधर, हम लोग अभी इधर जाएंगे, बारा राचू करके कोई जगह है जहाँ पे स्नो बहुत है, तो वहाँ पे जाएंगे। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोल्ड स्टार्ट मैंने पहले ही कर ली थी थोड़ी देर पहले, और आज मेरा 4th डे है। और हम लोग अभी निकलेंगे, बारला चाऊ है या बारचा लाऊ कुछ करके है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है इस साइड में, लेफ्ट में बारा लाचा है, जो भी कुछ है अभी पता चल जाएगा। और वहाँ पे स्नो है, तो वहाँ की आज हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ, पहाड़ों में मज़े कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो अभी चलते हैं, चाय नाश्ता पानी करते हैं यहाँ पे, उसके बाद बारचा लाऊ या बारचा लाऊ जो भी है उसके लिए निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग जिस्पा से निकल गए हैं अब, और बज रहा है 10:30, और हम लोग उठे थे वही 7 बजे, मैं उठा था यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छी सी नींद आई थी, तो 7 बजे हम उठ गए थे। ठंडी का महीना था, अच्छा लग रहा था। फ्रेश व्रेश हो के, आराम से तैयार वगैरह हो के, ड्रेस भी चेंज कर लिया, और फिर चाय नाश्ता पानी किया, वहाँ पे बैठ के कुछ रील्स बनाए, इन्जॉय किए, लोगों से मिले। मेरी बाइक में थोड़ा सा व्हील आगे की थोड़ा सा जाम हो रहा था, लगभग 20%। तो यहाँ पे जिस्पा में रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, और बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत ही अच्छे पोलाइट बंदे हैं, तो उन्होंने तुरंत मेरी बाइक सही कर दी, मतलब 2 मिनट लगा था, और कोई चार्जेस नहीं लिए। बोले सर इसमें कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं किया है मैंने, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने GMC रॉयल एनफील्ड करके है जिस्पा में, जो कि मनाली से 90 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप लोग मनाली से आ रहे हैं तो यहाँ पे ये बाइक वाइक बनवा सकते हैं। मनाली से जब चलेंगे आप, तो वहाँ पे रास्ते में आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे, टिकनी करके एक जगह का नाम है, कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा टिंकनी ये क्या है वो। वहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा, और उससे पहले मनाली के से लगभग 5 किलोमीटर आगे तक पेट्रोल पंप मिलेंगे, उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, फिर 50-60 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। टिंकू या टिकनी करके कोई जगह है वहाँ पे, उसके बाद हर 2 किलोमीटर पे 3-4-5 पेट्रोल पंप है, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि लाइट होती है तभी वो पेट्रोल पंप चलते हैं, वरना नहीं चलते हैं। सिर्फ एक ऐसा पेट्रोल पंप है भाई, टिकनू या टिकनी जो भी है उसका वाला, जिसके पास जनरेटर है। तो आप जब भी इधर जाएँ लद्दाख साइड, तो मनाली के बाद में जो पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा वहीं पर आप पूरा फुल करा लें, क्योंकि फिर उसके बाद वाले पेट्रोल पंप पर अगर लाइट नहीं है तो वो पेट्रोल फिल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद चलते जाएंगे तो आपको कीलोंग मिलेगा, कीलोंग के बाद फिर 10 किलोमीटर के बाद आपका ये जिस्पा पड़ जाएगा,
और जिस पास से लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर ही जाना है हम लोगों को। तो 50 किलोमीटर हाइट नहीं, मतलब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, हाइट जो भी होगी 10-12-16 हज़ार फीट, वो मुझे पता नहीं अभी। तो वहाँ पे आपको स्नो मिलने वाली है, और ये जून के महीने की बात कर रहा हूँ मैं, आज तारीख है 7 जून 2022। तो कुछ ऐसा था अभी तक का सफ़र, और अब निकले हुए हैं बारा लच्चा बारा चला जो भी है उसकी तरफ। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये एक ब्रिज बना हुआ है और हमें लगता है हम लोग भी इसी से वापस जाएंगे। जी हाँ, इसी पर ही जाएंगे, बारा लच्चा। स्टॉप फॉर भैया, बाइक के लिए भी रुकना है या निकल जाएगी? तो यहाँ पे स्टॉप है पास टाइप का। अब यहाँ पे क्या है एक बार पूछ के आते हैं। मैं हूँ, मैं दो बंदे हमें और एक 392। तो यहाँ पे बस नाम पूछा इन्होंने, कहाँ तक जाना है ये पूछा, सीरियल नंबर 392। शायद रिटर्न में ये हमको चेक करें। तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम इधर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक, कोई कुछ नहीं चेक। और अब तक मैं लखनऊ से आ गया हूँ, अब तक कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुआ है और ना ही कहीं बाइक रोकी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे एक बात मैं बताऊं कि यहाँ पे लोग बुलेट में एग्जॉस्ट लगवा के चलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे वाले एग्जॉस्ट होते आते हैं, जो मिनी पंजाब आता है, डोमिनार। हाँ, ओए होए क्या बात है, रे वाटरफॉल। अच्छा स्कॉर्पियो। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हैं, दीपक ताल। अच्छा ये दीपक ताल है, ओहो क्या बात है। तो हम भी यहीं रुकते हैं थोड़ा सा, देखते हैं दीपक ताल में क्या है। फजान भाई को डुबो डुबो के मारेंगे इसी में। अबे उतरो बे, भाई साहब क्या पानी है, अरे वाह यार पानी भाई। फैजान तुमको इसी में डुबो दें, दिख जाओगे। नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये ब्रिज बन रहा है अभी, चालू नहीं हुआ है, तो नीचे से आने जाने का रास्ता है। हो गई थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, क्या पानी है। ये ब्रिज अभी टूट गया था और फिर से इन लोगों ने आधे घंटे के अंदर बना डाला, कुछ सिस्टम लगाया है इसके ऊपर, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। वैसे BMW G310 आर आती है कि GS आती है, जो वो सामने है वो एडवेंचर वाली, टूरिंग वाली, वो बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, बहुत कम्फर्ट रहेगा यहाँ चलाने में। और इतना ज़्यादा यहाँ ऑफ रोडिंग नहीं है कि आपको लॉन्ग ट्रैवल के सस्पेंशन चाहिए, कुछ नहीं है। ये सब रास्ते मुश्किल से आप 3,000-2,500 चला के जाओगे तो 2-4% मिलेंगे ये वाली बाइक। ओहो BMW वाले बहुत दिख रहे हैं यार। चल मेरे धन्नो चल, तुझे तेरी इज्जत का सवाल है, चल 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 चल, पहले गियर में गाड़ी लगी, चल 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 चल, शाबाश 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 बसंती शाबाश। ओए हाय हाय हाय, वैसे इसका नाम था मसल मैन, बट जब मैंने इसको धन्नो बसंती कहना शुरू किया तो इसने ताकत दिखा दी। मसल मैन पे साला ये लगता है प्रोटीन पी के बनाया इसने बॉडी। हाँ ये गाड़ी चला रहा है तुम्हारा भाई, एक नंबर। ये देखा, ये नदियाँ देखो, इधर मेहनत देखो। तो बर्फ़ यहाँ पे पहली दिख गई, जो कि हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं, मतलब रोड पे ही है। ओए हाय, स्नो में लोग बैठे हुए हैं, फुल मज़े स्नो के। हाय हाय, हम लोग तो पहुँचेंगे अभी वहाँ पे जहाँ बहुत सारा स्नो मिलने वाला है। और भाई साहब आगे रोड कुछ गड़बड़ दिख रही है, ओफो ऑफ रोडिंग। अरे रा 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 रा, अब तेरी पानी भरा हुआ था और मुझे लगा रोड है। एक तो इसकी ब्रेक वगैरह बहुत, जैसे लगाओ अगर आप ब्रेक, तो ब्रेक जो ये है, ये नीचे जाता है तो नीचे कोई ना कोई पत्थर से लड़ जाता है। हाँ भाई फैजान भाई, कैसा लग रहा है पानी देख के? ये पानी ना बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पानी कि आपके पैर काट देगा ये, बाप रे। लेकिन हम पानी में ही चलाएंगे, मज़े लेंगे मज़े, सूखे में तो लखनऊ में भी चला लेते हैं। ओह मौज कर दी भाई तूने, मौज। सूझ की हालात देखो ये।
पहाड़ों फूल बरसा, नहीं पहाड़ों, एक गाना नया गाने जा रहा हूँ, पहाड़ों बर्फ बरसाओ तेरा महबूब फैजान आया है, तेरा महबूब फैजान आया है पहाड़ों। अरे भाई साहब पैर पूरा गया, अपना बंदा आगे निकल गया तो ये भी बंदा आगे निकलेगा, ये भी बंदा आगे निकलेगा, बंदे सब आगे निकलेंगे। भैया पीछे मत लेकर आओ, डरा दिया इन्होंने। होय 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 होय, क्या रास्ते हैं मेरी जान, फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट हम लोग गांव घर वाले हैं, हम लोग हर रास्ते में चला लेते हैं। चलो 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 चलो, नो 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 नो, तक 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 तक, नो 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 नो। अबे बाइक संभालना बहुत मेहनत काम है यहाँ। नौ तक नौ तक नौ तक नौ तक नौ तक का मतलब समझते हो, बैलगाड़ी जब चलाते हैं तो एक होता है। हाँ होय होय होय, अबे तू तो आराम से बैठा, यहाँ फटी हमारी जा रही है। ओह ठंड भी लग रही है, ऑक्सीजन भी कम है, ऊपर से बाइक संभालना बहुत मेहनत का काम है। नहीं अभी तुमने काफ़ी देर से चलाया नहीं है पहाड़ों में, तो काफ़ी देर से नहीं चलाया है, काफ़ी देर से नहीं चलाया है। सामने का नज़ारा देखिए आप, वाओ क्या बात है यार। यहाँ पे है जिंग जैंग बार है, जिंग जैंग कुछ करके पीछे लिखा हुआ था, मतलब ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी चलेगी पहाड़ों पे ऊपर जाने के लिए। लोग बादल में आ गए फैजान भाई, हल्का हल्का फॉग फॉग सा लगने लगा ना भाई। ये रोड देखिए, ऐसे 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 जाना है हम लोगों को, सांप बना दिया इसने, बाप रे बाप, ऐसे 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 ऐसे, बाप रे बाप। ये रास्ता स्टार्ट हो गया, थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं, चल मैं कुछ कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ओए होए होए, बट कोई डर नहीं, हम लोग तो ऐसे में चला कर आए। ठंडी लग रही बहुत यार, सर में दर्द होने लगा, कहीं चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी देखिए कितने स्टाइल से चढ़ी हुई है, और भाई साहब स्विफ्ट है, लोग तो आई थिंक बच गए होंगे, अरे तेरी पूरा आगे से तो ख़त्म ही हो गई भाई। इसीलिए नशे उसे में गाड़ी नहीं चलाने वाला है, ये नशे की वजह से ही हुआ है, लोग दारू वारू पी के चला रहे होंगे और ये घटना घट गई ना। साउथ भाई क्या बोलती पब्लिक, डांस हो रहा है, डांस हो रहा है। ओए होए होए ओए होए होए, ये बहराइची नाच रहा है, ये देखो ठुमके, देखो ठुमके, अरे 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 चमक रहा है साला, रिफ्लेक्शन आ रहा है कि आंखें हमारी नहीं उस पर टिक रही हैं। ओ तेरी काला चश्मा लेकर आओ हमारे लिए। सारे राइडर्स को रोको। अभी भी साला 11 किलोमीटर है, कब कटेगा ये रास्ता। ओए होए 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 होए, फैजान भाई कूदोगे? तब तो यहाँ पे रोड पे भी सब मिलना शुरू हो गया है स्नो, मुझे लगता है यहाँ पे 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं फील कर रहा हूँ टेम्परेचर, मैंने अपने लखनऊ में कहीं नहीं फील किया है, और ये इतना हल्का सा मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 या 2 डिग्री है, इससे ज़्यादा नहीं है। छू लिया तूने लब से होठों को, छू लिया तूने, अरे भाई साहब लब से होठों को, क्या गाना उल्टा गा दिया क्या। फैजान भाई को मैंने स्नो मारी। फैजान भाई एक मिनट, ये हटाओ यहाँ से। अबे भाई बहुत टाइट है यार, गोला बनाओ गोला। अबे सुनो तो, ये तो ऑक्सीजन कम है ना,
स्नो पकड़ लिया, सब हाथ ठंडे हो गए। मेरा भतीजा बहुत परेशान था, कह रहा था चच्चू कहाँ गए हैं, बर्फ़ में गए हैं कि नहीं गए हैं। तो अनस अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये देखो। अरे भाई साहब ये तुम्हारे लिए अनस। ओए होए 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 होए, क्या नज़ारे हैं भाई, छूते हुए चलेंगे हम लोग। सबसे पहले कहीं चाय नाश्ता पानी मिल जाए भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई। इतना चमक रहा है कि साली आंखें नहीं टिक रही हैं मेरी इसके ऊपर। जैकेट पहन के आना चाहिए था भैया, गर्मी वाली वो सर्दी वाली बढ़िया। हाँ भाई खूबसूरती देखिए, नेचर के नज़ारे, नीचे पानी ऊपर स्नो, ये कैसे हो सकता है यार। जून के महीने में अपनी आँखों से बर्फ़ देख रहा हूँ, और जिसको मैंने महसूस भी किया है। हम लोग अभी खूब खेले भी हैं, कैमरे में आपने देखा ही होगा। तो कुछ ऐसा है इधर का सिस्टम। ओए होए, हीरो एक्सपल्स है क्या ये? नहीं ये वो है स्क्रैम। तो भाई साहब पूरा मज़ा लेते हुए पहाड़ों में। अरे भाई साहब तो फाइनली यार बारह जिला पास हम पहुंच गए हैं, जिसकी ये एल्टीट्यूड है 4850 मीटर लगभग। लगभग ये आएगा आपका 15000 फीट की ऊंचाई आएगी। और यहाँ से ये जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे इधर स्नो भी है, और अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मेरी बुलेट खड़ी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, बाजार में ले गए हैं। तो हम लोग थोड़ा उधर ही जाने वाले हैं अभी, और उसके बाद फिर तो क्या कहने। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी बहुत है यहाँ पे, कुछ खाने पीने का नहीं है, बस यही है। एक ये बूट लगा है है भाई। तो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे चाय और कुछ ना कुछ खाने का बहुत मन है, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। इतनी ज़्यादा ठंडी यहाँ पे है कि एकदम से सर में दर्द होने लगा, और ये हाथ वहाँ सब सनसना रहे हैं। हम लोग विंटर के हिसाब से नहीं आए थे, हम लोगों का प्लान था कि मनाली तक ही जाएंगे, बट इधर स्नो देखने के चक्कर में आ गए। तो बहुत सारा ठंडा है इधर यार, और कुछ ऐसा पीछे का नज़ारा है। तो पीछे जाएंगे